तो पीडीए उनके साथ है? किसके साथ? अखिलेश के। पीडीए हाँ, काफी लोग वो अपना सब समीकरण बैठा रहे हैं। यहाँ के चुनाव को लेके आपका क्या विचार है? चुनाव को लेके यहाँ पे मैं, यहाँ पे अभी लोगों में असमंजस की स्थिति है। अभी बीजेपी के खिलाफ कौन मजबूत कैंडिडेट आ पाएगा उसके? अरे कैंडिडेट तो आ गए, आज तो लास्ट डेट। कैंडिडेट तो आ गए, लेकिन माहौल किसके पक्ष में मजबूत तरीके से बन रहा है? एक बीएसपी के और एक इंडिया गठबंधन। इसी को डिसाइड करने के लिए लोगों में थोड़ा इंतजार है। जैसे ही लोगों में लहर जाएगी कि हाँ बीजेपी को कौन हराएगा, उधर ही माहौल चला जाएगा। चलिए ठीक है, अब मैं थोड़ा दूसरी तरफ चलता हूँ। खैर, अलीगढ़ का सबसे बड़ा कस्बा है खैर कस्बा, और ये जो टप्पल और यमुना एक्सप्रेसवे की तरफ रोड जाती है उस पर जाम भी बहुत लगा रहता है, और अच्छी खासी मार्केट है खैर, तहसील भी है और विधानसभा क्षेत्र भी है, उपचुनाव यहाँ पर हो रहा है। और जहाँ मैंने आपको कहा कि क्या नाम है आपका? केशव सिंह जी, क्या चुनाव का माहौल क्या लग रहा है इस बार बीजेपी जी खैर में? बीजेपी किस वजह से, उम्मीदवार की वजह से, पार्टी की वजह से, योगी जी की वजह से? योगी जी वजह से। सरकार ठीक काम कर रही है? हाँ बढ़िया काम कर रही है। क्या क्या सही कर रही है? सारे काम सही है, सरकार के सारे बढ़िया है जो काम हो रहे हैं। लेकिन तो पिछली बार जो चुनाव हुआ था अलीगढ़ में, तो यहाँ पे तो बीजेपी को 1500 का वोट मिले थे। वो सतीश गौतम की वजह से वोट मिले, सतीश गौतम उनके प्रति लोगों का रुझान ठीक नहीं था। हाँ। लेकिन तब भी तो वो जीती गए। वो तो जीती गए कैसी मान लो, जैसे जीते जैसे। कैसे जीते वो भी बड़ा चक्कर है। उसी का चक्कर बता रही। अलीगढ़ के लोग चाहते नहीं थे, अलीगढ़ के लोग चाहते नहीं थे जीते। नहीं उसको नहीं चाहते, सतीश गौतम जीते। हाँ जी, आपका क्या नाम? ओम प्रकाश अग्रवाल। अग्रवाल जी, क्या आपका विचार है? कहा जी किस चीज का? दिवाली के बारे में। दिवाली बढ़िया गुजर रही है, खूब अच्छी। आपका किस चीज का धंधा? मेरा परचूने काम है। परचून का? तो ये दिवाली खरीदारी के हिसाब से कैसी है? बहुत बढ़िया। मार्केट में रौनक है इस बार? दो दिन से मार्केट में इतनी भीड़ है, पैर रखने के लिए जगह ना है, जाम की समस्या ज्यादा हमारे खैर में। और चुनाव का क्या माहौल बन रहा है कि नहीं? चुनाव का देखो कुछ भी नहीं, कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है, कोई भी सीट निकल सकती है, बीजेपी की निकलो किसी की निकलो। लड़ाई तगड़ी है? लड़ाई तगड़ी है बीजेपी में, सपा में और किसमें? कैसे सपा और उसमें ही है, भाजपा में रहेगी और किसमें रहेगी? कांग्रेस। बसपा? बसपा का नाम ना है, खाली सपा और उसमें टक्कर रहेगी। ये तो कह रहे हैं भाजपा का मामला ठीक है। हैं ये कह रहे हैं भाजपा का ठीक है? ठीक है, लेकिन ये टक्कर तो दोनों की रहेगी, भाजपा और सपा की रहेगी। भाजपा और सपा की टक्कर है दोनों की है। चाचा सही बोल रहे हैं, इसमें जो करी है और किसी की ना है, ना बसपा सपा की गठबंधन है, सपा की बीजेपी की टक्कर है और गठबंधन है, कोई भी जीती है। 20 कौन दिखाई दे रहा? 20 जो सपा दिखाई दे रहा है, अब गठबंधन में चल रही है कांग्रेस और सपा की सरकार आनी चाहिए। सपा दिखाई देगी, मैं हिंदू, ये मुसलमान है ना सपा दिखाई देगी, मैं हिंदू तो मुझे भाजपा दिखाई देगी। ये हिंदू मुसलमान में बढ़ गया क्या मामला? बाबा जात वाली बात ना हो रही, लेकिन सपा ने कहा कि मुसलमान है इसलिए सपा। सुनिया मतलब टक्कर दोनों की है, सपा और उसकी भाजपा की। छोड़ो पहले, अब इस पर आ जाओ कि सपा मुसलमान, सपा की पार्टी मुसलमान। अरे मैंने तो ना की, मैं बात कह रहा हूँ, मैंने आपसे भी हिंदू मुसलमान वाली बात तो नहीं कही। भाजपा के लिए कहूंगा, ये लोग सपा के लिए कहेंगे, ये टक्कर दोनों की है और कुछ ना है। हिंदू सपा के लिए नहीं कहेगा? हिंदू सभा के लिए ना कहेगा, मुसलमान भाजपा के लिए? मुसलमान भाजपा के लिए बिल्कुल नहीं कहेगा, भाजपा को तो वोट बिल्कुल नहीं देगा मुसलमान। एक आध पर्सन कोई संबंध अच्छे हो, अच्छे संबंध हो वो भला बात एक अलग है, मुसलमान ना दे रहा ना हिंदू सभा को दे रहा। अरे यार तो कैंडिडेट तो दोनों हिंदू है। हिंदू से मतलब ना कि हिंदू बात, पार्टी तो वो है, पार्टी तो अलग है, कैंडिडेट से क्या मतलब सर? कोई मुसलमान का थोड़ी है कैंडिडेट जो है, कोई मुसलमान का थोड़ी है कैंडिडेट, हिंदू का ही तो कैंडिडेट। यादव जी तो बैठे हैं वहाँ, वो हिंदू है, वो हिंदू है, लेकिन बात तो अलग ही करते हैं वो। क्या बात अलग ही करते हैं वो, और क्या है? अरे सबकी करते हैं, योगी आदित्यनाथ भी सबकी करते हैं। आदित्यनाथ सबकी करते हैं, वो तो सबका साथ सबका विकास। लेकिन योगी आदित्यनाथ तो बटेंगे तो कटेंगे भी कहते हैं। बटे कटेंगे, वो कहने का क्या मतलब है उनका? जात हम बटे हुए हैं हम, कोई बनिया कहता, कोई ब्राह्मण कहता, कोई कहता, कोई कहता, बटे हुए हैं। वो कह रहे सब एक हो जाओ, क्या परेशानी? योगी जी कह रहे हैं तो बताओ। क्या नाम है आपका? ये ना फूलचंद यादव है।
यादव जी क्या हिसाब है, देखो तो कह रहे हैं कि अखिलेश यादव मुसलमानों के नेता। ऐसा है, ये हमारे देश क्या है, भारत संस्कृति क्या है कि देश को बांटना? क्या हिंदू, क्या मुस्लिम, क्या सिख, क्या ईसाई, या ये पैदा क्यों हो रहे हैं? ये वोट के लिए, वोट के लिए। अच्छा, वोट के लिए हो रहे हैं ना। तो अब ये क्या होता है खाम काम, जैसे वहाँ था अयोध्या में राम जी वहाँ थे, आप वहाँ गए करे, तो उसमें क्या फल क्या मिला? जनता है, जनता जलंधर है। अब वहाँ पे मतलब ये चीजें तुच्छीकरण की चीजें क्यों करते हैं आप? तो आपको यहाँ क्या लग रहा है, छोड़िए, हमें तो लग रहा है कोई बात नहीं, जनता सुखी रहे। अब देखिए ये आप देख रहे हैं कितने उस सालों से ये मतलब बाईपास बनना था, अब देख रहे आप ये वो लग रहा है, जाम लग रहा है, नियाद नहीं मिला, जाम से नियाद मिला। आप साथ आए होंगे, जात कहीं आए होंगे, देख रहे हैं क्या स्थिति, जा तो लोग चोरी कर करते यहाँ के। हाँ, जाम तो यहाँ बहुत लगता है, मैं जब भी आया तो ये बताओ क्या लग रहा है खैर में, क्या है चुनाव? अब ऐसा है कि अब हर चीज़ें होती हैं, अब जैसे जनता चाहे क्या ना करे, अब लोकसभा में स्वप्रत्य थे, अब जो लोग कहते हैं ईवीएम गड़बड़ी का करी, हमें तो नहीं कहते, कोई बात नहीं। वो तो अलीगढ़ का चुनाव का नतीजा जब आया, बहुत लोग हैरत में हुए कि सतीश गौतम के खिलाफ तो पूरा माहौल था कैसे। हालांकि ये लोग अतज्ञ हैं, जब सतीश गौतम से पूछा गया आप जीते कैसे, तो उनके सब मतलब है ही नहीं, अब ठीक है जो कुछ है, अब वो हम नहीं कहते हैं। फिर भी हाँ जी, आप भी कुछ बोले चलिए ठीक, आप लोगों ने बात की इसका बहुत शुक्रिया। मैं आपके प्रोग्राम प्रोग्राम देखा तुम रोज डेली, रोज देखते हो, रोज डेली बोल नहीं रहे हो तो देखते क्या? मैं जाटू कोई बात नहीं। योगी मोदी को मामला टकाटक, योगी मोदी को मामला टकाटक, और सुरेंद्र दलेड़ जीत रहो भारी बहुमत से टकाटक। अच्छा, सुरेंद्र दलेड़ जीत रहो टकाटक, यहाँ पे खैर मैदान से बातें, ठाकुर जयवीर सिंह सवरे लगे भाई, जाट वैसे दे रहे हैं और ठाकुर साहब लगे भाई, फिर रह का जाए पंडित जी वैसे लगे भाई, बस हर राइटे थे वोट वह यहाँ योगी मोदी जिंदाबाद। जाट पे लगे, जाट मिलेंगे 60% मिलेंगे, जाट समाज को जिलाध्यक्ष रहे हुए पहले बसपा को, अब जो बीजेपी सपोर्ट कर रहे हैं तो दिक्कत का है, फिर उन्हें वोट दे का दिक्कत है एरिया में। जाट तो लट्ठते ले लेंगे, जाट तो लट्ठते कैसे ले लोगे, राजीते दे रहे लट्ठते, तो आज तक जाटन ने कहा जाटन पे तो कोई ना ले सके, राजीते दे रहे कारनामे इनते दे रहे, राजीते देंगे, राजीते पार्टी। चलिए अब मैं दूसरी तरफ चलता हूँ, तो मैं खैर में हूँ और मैंने जैसे बताया कि खैर अलीगढ़ का सबसे बड़ा कस्बा है और यहाँ पर रौनक भी खूब रहती है और तहसील है ही और यहाँ उपचुनाव है ही। मैं दिवाली, आज छोटी दिवाली है, धनतेरस और छोटी दिवाली, और दिवाली के दिन लोग खरीदारी भी खूब करते हैं। एक यहाँ बाइक का शोरूम भी है, लेकिन उन्होंने आप स्पेशल खरीदारी के लिए आज बाइक का इधर, तो धनतेरस और दिवाली छोटी कैसी रही आपके लिए? बहुत अच्छी रही साहब, दीपावली धनतेरस बहुत अच्छा रहा। दीपावली में कितना गाड़ियाँ बिकी आप? 50 गाड़ियाँ बेचा हम लोगों ने, आज छोटी दिवाली में आज 20 गाड़ियाँ बेचा हम लोगों ने। और पिछले साल क्या था? पिछले साल इससे कम था, इस साल ज़्यादा रहा है इससे। तो मार्केट में अब रौनक मैं कहूँ लौट रही है? हाँ, मार्केट में रौनक वापस आ रही है, लोगों का पैसा भी आ रहा है और आलू वालू का रेट सही होने से खरीदारी भी अच्छी हो रही है। इस ये बाइक्स जो आपके पास हैं ये कितने कीमत की है? हमारे पास बाइक 1 लाख रुपए से लेके, सॉरी प्लेटिना तो 85,000 से लेके 2.5 लाख तक का बाइक हमारे पास है। वो सब बिकी? सब बिकी है बाइक, और ऊंचे मॉडल ज़्यादा बिके हैं, महंगा मॉडल ज़्यादा बिका है। इसका मतलब कि लोगों में अब पैसा आ रहा है, हालांकि लोग कह रहे हैं महंगाई भी बहुत बढ़ी। महंगाई तो बढ़ी है, पर लोगों में मैंने देखा पिछले साल की अपेक्षा इस साल फाइनेंस कम कराया लोगों ने, कैश ज़्यादा हुआ है, सिर्फ कैश ज़्यादा गाड़ियाँ बिकी हैं, ये तो अच्छी बात है। हाँ जी जी। और चुनाव के बारे में क्या विचार है आप? चुनाव के बारे में तो अभी मालूम ही नहीं है क्या हो रहा है, वैसे यहाँ दोनों की बहुत अच्छी टक्कर है, सपा एंड बीजेपी, इन्हीं दोनों में टक्कर है।
और साहब क्या नाम है आप? रमेश चंद। हाँ रमेश चंद। रमेश जी आप बताइए आप क्या मानते हैं? बढ़िया है सर, माहौल बढ़िया। आप क्या लेने आए थे बाइक? बाइक ले ली अभी नहीं, पैसे पूछ रहा हूँ। हाँ पैसे पूछ रहा हूँ सर। आज लोगे कल लोगे? कल, दिवाली के दिन। धनतेरस में नहीं ली? नहीं नहीं कल। चलिए बहुत बढ़िया बात है, आप दिवाली पर इतना अच्छा खरीदारी कर रहे हैं, आपको हमारी तरफ से शुभकामनाएं। मेहरबानी सर। और हम थोड़ा गांव देहात में लोगों के पास घूमते रहते हैं जानने के लिए कि माहौल क्या है। जी माहौल हमारे यहाँ बढ़िया एकदम। चुनाव का किसका? बीजेपी। बीजेपी खुल के टक्कर में है या खुल? नहीं खुल के। किस वजह से? यहाँ तो पहले से ही बीजेपी का माहौल है, पहले से हमारे यहाँ सपा का नहीं है। नहीं बीजेपी का माहौल है या कैंडिडेट की वजह से, योगी जी की वजह से या पार्टी के तौर पे ही लोग मानते हैं? पार्टी की वजह से और योगी जी की वजह से बढ़िया माहौल। तो खैर मैं देखिए ये सब बाइक खरीदने वाले नए लोग भी आए हैं, जरा हेलो खरीदने आए हो कि बेच ही रहे? नहीं मैं यहाँ फाइनेंस कर रहा हूँ बजाज का। वही है तो ओटीपी है भैया इनका, लिखिए अभी एडजस्ट वाला देखो। अरे फाइनेंस शाम रात हो गई, अभी फाइनेंस ही कर रहा है, क्या करें, करना पड़ेगा। 0985। कब भैया आप कहाँ के रहने वाले हो? नारायणगढ़ एरोला। ये खैर में ही आता है? खैर तहसील में ही आता है। ये चुनाव आपके यहाँ भी है? चुनाव पूरे तहसील में चुनाव है, तो हमारा भी तहसील में ही है चुनाव। आपका गांव चुनाव में आ रहा? हाँ बिल्कुल आ रहा। तो क्या माहौल बन रहा चुनाव का गांव के अंदर जरा बताना। हम एक किसान लोग हैं, हम राजनीति पर ज्यादा चर्चा नहीं करते, ना हमको कोई मतलब है राजनीति से। तो किसानों को इस सरकार से, योगी जी की सरकार से? पहले की अपेक्षा ठीक है सब, सबको फायदा है योगी जी से, गुंडा फुंडा ये सब खत्म होगी, सबकी दादागिरी दरी रह गई। योगी जी इसका असर पड़ रहा है लोगों? हाँ असर पड़ रहा है। हा? असर पड़ रहा है। और ये हिंदू मुसलमान का मसला कितना? इस बात की हमको कोई जानकारी नहीं, हम इस चीज़ के बारे में नहीं बोलते, ना हमको इस बारे में कोई जानकारी है कौन हिंदू मुसलमान कौन क्या क्या नहीं। तुम भी कुछ बताओगे भैया? बस चलिए अब मैं दूसरी तरफ चलता हूँ।